नमस्कार, मैं वीर, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 9X। द न्यूज़ 9X में आप सभी का स्वागत है। आज 21 दिसंबर बिहार की 25 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में क्या है। नागरिकता संशोधन बिल के विरोध में एक बार फिर दिल्ली में प्रदर्शन के नाम पर उपद्रव हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली गेट के पास कार में आग लगा दिया है। पुलिस प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल में करने के लिए वाटर कैनन का प्रयोग किया है। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है। कल तक NRC को लेकर मोदी सरकार का समर्थन करने की घोषणा कर रही लोजपा ने यू टर्न मार लिया है। लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान ने सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए NRC का विरोध करने का ऐलान कर दिया है। चिराग पासवान ने CM नीतीश कुमार की घोषणा के बाद यू टर्न मार लिया है। कल ही नीतीश कुमार ने कहा था कि बिहार में NRC को लागू नहीं होने देंगे। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव एक बार फिर अपने ही घर में हाउस अरेस्ट कर लिए गए हैं, तो दूसरी तरफ पुलिस ने उनकी पार्टी के दो बड़े नेताओं को भी गिरफ्तार कर लिया है। जहां पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव ने 21 दिसंबर के RGD के बिहार बंद का विरोध कर दिया है। पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव पर महागठबंधन के घटक दलों को और बाकी के विपक्ष की ताकत को नजरअंदाज करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पूरे विपक्ष को मिलकर एक दिन का बिहार बंद करना चाहिए था। पप्पू यादव ने कहा कि लगातार दो दिनों तक बिहार बंद से लोगों को परेशानी बढ़ेगी। आज 21 दिसंबर को RJD का बिहार बंद है। शुक्रवार को बिहार बंद की पूर्व संध्या पर RJD के दफ्तर से तेजस्वी यादव की मौजूदगी में जन जागरूकता के लिए मशाल जुलूस का आयोजन किया गया। तेजस्वी यादव ने कहा कि केब और NRC के विरोध में उनकी पार्टी द्वारा आयोजित बिहार बंद में लाखों बिहार के लोग भाग लेंगे। तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार को बंद समर्थकों पर लाठी डंडा चलाए जाने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। एक बड़ी खबर पटना से, जहां तेजस्वी की चेतावनी के बाद पुलिस ने भी वार्निंग दे दी है। ADG जितेंद्र कुमार ने कहा कि अगर किसी ने बंद के दौरान उपद्रव मचाने या कानून हाथ में लेने की कोशिश की तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चुनावी रणनीतिकार और JDU के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल के रणनीतिकार की भूमिका भी निभा रहे हैं। PK ने अपना काम शुरू भी कर दिया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए PK ने नारा भी कर लिया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के NRC एरिया में भूकंप के झटके महसूस किए गए। दिल्ली के अलावा कश्मीर समेत उत्तर भारत के इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक भूकंप की तीव्रता 6.3 मापी गई है। उन्नाव केस में दोषी करार BJP के निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को कोर्ट ने कल उम्रकैद की सजा सुनाई है। 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सोमवार कोर्ट ने सेंगर को पोक्सो एक्ट में दोषी करार दिया था। तो मेंस यूनियन ने राजधानी पटना में ऑटो के परिचालन पर रोक लगाने का बड़ा फैसला लिया है। ऑटो मेंस यूनियन की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक शनिवार को पटना में ऑटो नहीं चलेगा। यह फैसला राजद के बिहार बंद के मद्देनजर लिया गया है। गया से एक बड़ी खबर, जहां कोर्ट ने DSP समेत 4 पुलिसकर्मी को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। एक युवक के हत्या मामले में कोर्ट ने ANMCH के एक कर्मी की भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। बक्सर से एक बड़ी खबर, जहां दिन दहाड़े बड़ी बैंक लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। 11,10,000 रुपये की लूट हुई है। वारदात औद्योगिक थाना क्षेत्र के सोनबरसा में हुई है। अगले महीने पटना के मिलर उच्च विद्यालय के मैदान में होने वाले महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए JDU प्रवक्ता संजय सिंह राजपूतों को गोलबंद करने की कवायद में जुटे हुए हैं। बिहार प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के लिए डॉक्टर संजय जायसवाल शनिवार को प्रदेश कार्यालय में नामांकन दाखिला करेंगे। वहीं रविवार को प्रदेश अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय परिषद के सदस्य के चुनाव की वैधानिक प्रक्रिया सम्पन्न होगी। जम्मू से एक बड़ी खबर, जहां अपराधियों ने 3 लोगों को गोली मार दी। बताया जा रहा है कि एक साथी के गिरफ्तारी से नाराज अंशु गैंग के लीडर ने इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। एक बड़ी खबर, बिहार दारोगा की परीक्षा को लेकर सामने आ रही है, जहां बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक अभ्यर्थियों को एग्जाम सेंटर पर परीक्षा से 1.5 घंटा पहले पहुँचना होगा। पटना में इंडियन रोड कांग्रेस के मंच से CM नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि बिहार से गुजरने वाली 5000 किलोमीटर नेशनल हाईवे का मेंटेनेंस तत्काल करवाया जाए।
साथ ही उन्होंने केंद्र से सड़कों के लिए मिलने वाले फंड को समय पर देने की मांग की। बेगूसराय में आपसी विवाद में दो युवकों की गोली मारकर घायल कर दिया गया। घटना वीरपुर थाना क्षेत्र के सहुरी गांव की है। बताया जाता है कि सहुरी गांव निवासी दिलखुश कुमार अपने फुफेरे भाई के साथ घर आ रहा था, तभी बदमाशों ने गोली मार घायल कर दिया। शुक्रवार देर शाम जमुई थाना क्षेत्र का श्री चंद्र नवादा गोलियों की थरथराहट से थर्रा उठा। अपराधियों ने तीन युवकों को गोली मार दी। गोली से घायल तीन युवकों में से दो की स्थिति स्थिर बताई जा रही है, जबकि एक की स्थिति गंभीर बनी हुई है। छपरा में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने योजना सहायक को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। घटना जिले के मढ़ोरा शाने की है, जहां मढ़ोरा पंचायत के योजना सहायक को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने 40,000 रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। सहरसा में पानी में डूबने से चार लड़कियों की मौत हो गई। घटना सहरसा के नवहट्टा की है, जहां साग तोड़ने के लिए घर से बाहर गई चार लड़की पानी में डूब गई। काफी मशक्कत करने के बाद ग्रामीणों ने शव को पानी से बाहर निकाला। झारखंड विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान खत्म होते ही एग्जिट पोल आ गए हैं। सभी चैनलों के अलग अलग दावे हैं। एग्जिट पोल के अनुसार भाजपा को झटका लगा है। जहानाबाद में बंद समर्थकों ने पटना रांची जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन को रोक दिया है। ट्रेन के इंजन पर चढ़कर आरजेडी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की है। इसी क्रम में वैशाली के गोरेल में कड़ाके की ठंड और कोहरे के बीच राजद एमएलसी सुबोध राय के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में राजद कार्यकर्ताओं ने NS-22 को जाम कर दिया है। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर बिहार सहित देश के अलग अलग शहरों में हुए हिंसात्मक प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री टंटन ठाकुर ने कहा कि यह संशोधन विधेयक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न का सामना कर रहे अल्पसंख्यकों को भारत में गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर प्रदान करेगा। लंबे समय से अन्याय का दंश झेल रहे इन अल्पसंख्यक विस्थापितों को मोदी सरकार के प्रयास से न्याय प्राप्त हुआ है। बिहार STET परीक्षा की नई तारीख का ऐलान बिहार बोर्ड ने कर दिया है। यह परीक्षा 28 जनवरी 2020 से दो पालियों में होगी। परीक्षा को लेकर सभी जिलों में सेंटर बनाया जाएगा। ये थी बिहार की 25 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। खबरें कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। यदि आप हमारा यह वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारा पेज को लाइक करें। यदि आप इन्हें यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल द न्यूज़ 9X को सब्सक्राइब करें।